नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको कोरोना वायरस पर निबंध बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक पक्के। आपको इसे लिखना नहीं, केवल समझना है। चलिए देखते हैं क्या है। इस दुनिया में मनुष्य को कई बार अनेक भयंकर महामारियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वर्तमान में सारी दुनिया को एक ऐसे वायरस ने त्रस्त किया है जिसका केवल नाम सुनकर ही लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है। इस वायरस के कारण सबका जीना मुश्किल बना है और यह पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस COVID-19 है। कोरोना वायरस का यह एक ऐसा वायरस जिसे नंगे आंखों से देखा नहीं जा सकता। यह अति शून्य विषाणु जिन्हें पहले कभी देखा नहीं गया था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। इस वायरस का नाम नोवेल कोरोना वायरस रखा गया। इस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने महामारी घोषित कर दिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट में हमें लिखना है, कोरोना विषाणु के संक्रमण से जो बीमारी होती है उनका नाम COVID-19 रखा गया है। यह बीमारी होने पर सबसे सबसे पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर लगभग एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में यह निमोनिया, कई अंग विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसन व छींकने पर छींटे निकलते हैं या किसी सतह पर गिरते हैं जिसे छूने से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है या कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ है तो उसे भी कोरोना का संक्रमण होता है। फिर हमको नेक्स्ट लिखना है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इस बीमारी के कारण पूरे विश्व में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। इस वायरस के कारण कई परिवारों का जीना तबाह हो गया है। वायरस का पता लगने के 4-5 महीने तक इस विषाणु के संक्रमण को रोकने वाली कोई दवा अभी तक नहीं बनी है, जिसके कारण इस वायरस को फैलने से रोकना बहुत मुश्किल बन गया है। यदि आप कोरोना वायरस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें सरकार के आदेशों का पालन करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पे बहुत गलत लिख गया है, बहुत लिख गया है, तो यहाँ पे बहुत होगा महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे विश्व पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। हमें कोरोना वायरस को हराना है। फिर हमको नेक्स्ट लिखना है, तो हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि लोगों से दूरी बनाए रखना, खांसने या छींकने वक्त मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना, हाथों को बार बार साबुन से धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बिना हाथ धोए अपनी आँखों को नाक को एवं मुंह को छूना। यदि हमें भारत देश को कोरोना मुक्त देखना है तो हमें भारत देश के नागरिक के रूप में सरकार के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों कोरोना वायरस पर निबंध ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक पक्के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।